हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो बेटा हम लोग पढ़ रहे थे, हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन स्टार्ट करा था बेटा। इस चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे थे जिसमें हमने आपको यूनिट कल पढ़ाया था, कुछ क्वांटिटीज़ के यूनिट मैंने आपको बता दिया था। तो उसके आगे हम लोग बढ़ते बेटा, और भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं जिसकी यूनिट हम लोग पढ़ेंगे बेटा, है ना। जैसे मान लीजिए आपसे कहेगा कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर का आप एसआई यूनिट फाइंड करें। तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर की एसआई यूनिट क्या होगी बेटा। तो इसके लिए हमें कोई फॉर्मूला चाहिए जिससे में बाकी सारी क्वांटिटीज़ की यूनिट पता हो और फिर उसके बाद आर का एसआई यूनिट हम सॉल्व कर सकें। इसके लिए बेटा हम लोग PV=nRT ये लगाएंगे, PV=nRT, जिसमें R हमें निकालना है, जिसकी यूनिट निकालना है उसको एक तरफ, बाकी सबको दूसरी तरफ। तो PV/nT होएगा, है ना। और P क्या है बेटा, प्रेशर। तो प्रेशर की एसआई यूनिट होता है पास्कल, ठीक है। प्रेशर की एसआई यूनिट होता है पास्कल। और ये क्या है, वॉल्यूम का एसआई यूनिट होता है मीटर क्यूब। N का होता है मोल और टेम्परेचर का होता है केल्विन। दरअसल क्या होता है बेटा, P×V वॉल्यूम के, ये जो P×V होता है वो जूल के बराबर होता है, यानी पास्कल इंटू मीटर क्यूब दरअसल ये जूल के इक्वल होता है। तो यहाँ पर बेटा हम इसे जूल लिख लेंगे, तो जूल पर मोल पर केल्विन, यानी आप इसको ऐसे लिख लीजिए, जूल मोल इनवर्स एंड के माइनस वन, चूँकि ये मोल ऊपर जाएगा, मोल की पावर माइनस वन, फिर के की पावर माइनस वन। तो दिस इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर, यानी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर का जो एसआई यूनिट होता है वो बेटा हमने कैसे सॉल्व करा ये आपके सामने है, ठीक है ना। चलिए और भी करते बेटा, बहुत ध्यान से, कुछ भी नहीं है, आसान है। एक चीज़ तो आपको याद रखना है, प्रेशर इंटू वॉल्यूम एनर्जी के बराबर होता है। आपने पढ़ा भी होगा वर्क डन, P×V होता है ना वर्क डन, तो ये जूल होएगा और पर मोल पर केल्विन, ठीक है। चलिए अब उसके बाद आगे बढ़ते बेटा। लेट अस सपोज, जैसे हमसे कहेगा कि कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी का आप जो है एसआई यूनिट बताएं, कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी। तो कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी की एसआई यूनिट हमें सॉल्व करने को कहा जा रहा है। तो फिर से हम लोग को एक फार्मूले की रिक्वायरमेंट है, फार्मूला रहेगा तो हम कर लेंगे। तो फार्मूला यहाँ पर बेटा हम ये करेंगे कि F=6π ETA RV, जिसे हम बोलते हैं बेटा स्टोक्स फार्मूला, है ना बेटा। ये जो है फार्मूला, ये 11th क्लास में वो पढ़ते थे, है ना। हम लोग यहाँ भी पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत सारे न्यूमेरिकल बनाएंगे। तो विस्कोसिटी जो है, पूरा विस्कोसिटी का एक टॉपिक है, वो हम लोग पढ़ेंगे। सब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में हम पढ़ेंगे विस्कोसिटी के बारे में। तो विस्कोसिटी में एक छोटा सा आपको कराया जाएगा स्टोक्स फार्मूला, जिसमें बेटा एफ इज़ द फोर्स, 6π इज द नंबर, ईटा इज द कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी। एक्चुअली कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी को बेटा ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं ना, है ना, ईटा से एन की टांग को खींच देते हैं। आर इज द रेडियस एंड वी इज द स्पीड। तो यहाँ पर बेटा जिसका हमें यूनिट निकालना उसको एक तरफ रखेंगे और ये आ जाएगा F/6π RV, है ना बेटा, 6π R×V। अब फोर्स का ऐसा यूनिट हो गया न्यूटन, 6π का कोई यूनिट नहीं होगा, नंबर की कोई यूनिट नहीं होती है, ये ध्यान रखना है, नंबर की कोई ऐसा यूनिट नहीं होगी, ठीक। R इज द रेडियस, रेडियस के ऐसा यूनिट मीटर, स्पीड का मीटर पर सेकेंड, तो न्यूटन इंटू सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। देखिए बेटा इसको हम बोलते हैं कि भाई ये जो है ईटा है, न्यूटन इंटू सेकेंड पर मीटर स्क्वायर इज द ऐसा यूनिट ऑफ ईटा, है ना बेटा। तो देखिए कैसे हमने बड़े आराम से कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का ऐसा यूनिट निकाला। न्यूटन इंटू सेकेंड पर मीटर स्क्वायर को बेटा पॉइजुली भी कहते हैं, यानी बेटा आप यही याद रखें, कभी कभी आपको रेयरली आपको ये मिल जाएगा, तो पॉइजुली आपको याद रखना है या फिर आपको याद रखना है। तो यहाँ पर बेटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के एसआई यूनिट न्यूटन इंटू सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, दैट इज पॉइजुली। क्लियर हो गया, है ना, आराम से समझिएगा, बहुत आसान है, ठीक है, बहुत ईजी चल रहा है। आप इसको देखिए, नोट्स में लिखिए, है ना, और रिवाइज ज़रूर करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, ध्यान से देखते हैं, आइए नेक्स्ट और देखते हैं बेटा, बहुत ध्यान से, है ना। अगर मान लीजिए हमसे कहेगा कि भैया मोमेंट ऑफ इनर्सिया
मोमेंट ऑफ इनर्सिया की एसआई यूनिट लिखिए, मोमेंट ऑफ इनर्सिया की एसआई यूनिट लिखिए। तो बेटा मोमेंट ऑफ इनर्सिया, ऑब्वियस सी बात है एसआई यूनिट निकालना है तो हमें क्या चाहिए, फॉर्मूला, है ना बेटा, क्या चाहिए, फॉर्मूला। तो मोमेंट ऑफ इनर्सिया, तो देखो बेटा मोमेंट ऑफ इनर्सिया आई बराबर आपने देखा होगा एम आर स्क्वायर होता है, ये फॉर्मूला ले लेते हैं, ठीक है। एम इज द मास एंड आर इज द रेडियस, मास का किलोग्राम हो गया, रेडियस का मीटर होता है तो मीटर स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्सिया की एसआई यूनिट किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ठीक है, आसान है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, है ना, ध्यान से सुनिएगा, एंगुलर मोमेंटम। देखिए एंगुलर मोमेंटम, तो बेटा एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला ये होता है एल इक्वल टू एम वी आर, एम वी आर, एम इज द मास, वी इज द स्पीड एंड आर इज द डिस्टेंस। तो बेटा मास का हो गया किलोग्राम, स्पीड का हो गया मीटर पर सेकेंड और डिस्टेंस का हो गया मीटर, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड इज द एसआई यूनिट ऑफ द एंगुलर मोमेंटम। आराम से, बहुत कोई ज़्यादा टेंशन थोड़ी ना, सिंपल सिंपल कहानी है, है ना, चीज़ें बस आपको ध्यान रखना है। देखिए फॉर्मूला अगर मुझे याद है तो हम एसआई यूनिट आराम से सॉल्व कर लेंगे, इवन आगे डायमेंशन भी सॉल्व करेंगे, डायमेंशन भी बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, बस हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए और देखते हैं बेटा, देखिए मान लीजिए टॉर्क, टॉर्क की एसआई यूनिट पूछी जाए भाई, टॉर्क, ठीक है टॉर्क। अब देखिए टॉर्क की एसआई यूनिट पूछा जा रहा है, तो टॉर्क, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है टाउ इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये आपने सुना भी होगा, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स की एसआई यूनिट क्या होता है बेटा, न्यूटन, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस है तो न्यूटन इंटू मीटर। तो हमारे पास ये टॉर्क का, देखिए एसआई यूनिट आ गया, क्या आ गया, न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन इंटू मीटर, ठीक है बेटा। चलिए और भी देखते हैं बहुत आराम से, अगर मुझसे कहेगा स्टीफंस कांस्टेंट का एसआई यूनिट बताओ, स्टीफंस कांस्टेंट जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा सिग्मा, कांस्टेंट शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, दिल पे मत ले लेना कि ये क्या चीज़ है, है ना, तो स्टीफन कांस्टेंट, स्टीफंस कांस्टेंट सिग्मा से लिखते हैं। अगर मुझे इसकी एसआई यूनिट चाहिए तो एसआई यूनिट के लिए क्या चाहिए, पहले फॉर्मूला चाहिए, है ना, तो फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए पावर इज इक्वल टू होता है ई सिग्मा ए टी टू दी पावर फोर, इसको हम बोलते हैं स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ या सिंपली स्टीफंस लॉ। व्हाट इज पी, तो पी इज द पावर, ई इज द एमिसिविटी दैट इज यूनिटलेस, ये यूनिटलेस है बेटा, सिग्मा इज द स्टीफंस कांस्टेंट, ए इज द सरफेस एरिया, टी इज द टेम्परेचर, मैं लिख देता हूं पी इज द पावर, ई इज द एमिसिविटी, ये यूनिटलेस है बेटा, नो यूनिट, ए इज द एरिया, सरफेस एरिया एंड टी इज द टेम्परेचर। तो अगर मुझसे कहेगा कि आपको सिग्मा का एसआई यूनिट निकालना है, इसी सिग्मा को हम बोलते हैं बेटा स्टीफंस कांस्टेंट, यह आपको शायद थोड़ा बहुत याद भी आ रहा होगा। तो बेटा सिग्मा का अपन को अगर बताना है तो पी इज इक्वल टू ई ए टी की पावर फोर। अब पावर, पावर की एसआई यूनिट क्या होती है बेटा, वाट, पावर की एसआई यूनिट बताया हुआ है रिविजन कर रहे हैं तो समझ में आ जाएगा, है ना, तो पावर की एसआई यूनिट वाट, डब्ल्यू, इमिसिविटी कोई यूनिट नहीं है, एरिया का एसआई यूनिट मीटर स्क्वायर और टेम्परेचर का केल्विन, तो वाट एम की पावर माइनस टू, केल्विन की पावर माइनस फोर। टेम्परेचर का एसआई यूनिट क्या होता है बेटा, केल्विन, टेम्परेचर का एसआई यूनिट केल्विन। तो देखिए कैसे मैंने स्टीफंस कांस्टेंट का एसआई यूनिट सॉल्व करा, ये आपके सामने है। चलिए आइए और देखते बेटा, ध्यान से देखिए, अब यहां पर बेटा बहुत ध्यान से ईमानदारी से बहुत आराम से, तो देखिए यहां पर बेटा हमने एसआई यूनिट पढ़ लिया, सिग्मा का पढ़ लिया, स्टीफंस कांस्टेंट का पढ़ लिया, है ना, आगे और भी देखेंगे। जैसे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन कहता है कि कोफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का आप एसआई यूनिट सॉल्व करो,
है ना बेटा, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है ना, इसका एसआई यूनिट सॉल्व करो। तो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ओके कैसे होगा बेटा, तो देखिए फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा थर्मल एक्सपेंशन वाले चैप्टर में, हम लोग थर्मल एक्सपेंशन वाले चैप्टर पढ़ते हैं। एल इज इक्वल टू होता है एल नॉट ब्रैकेट में वन प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, एल इक्वल टू एल नॉट ब्रैकेट में वन प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। तो बेटा एल इज द फाइनल लेंथ, एल नॉट इज द ओरिजिनल लेंथ, अल्फा इसी को बोलते हैं बेटा कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, सॉरी अल्फा इसी को बोलते हैं बेटा कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, एंड डेल्टा थीटा इज द टेम्परेचर। तो हमें इस जिसका एसआई यूनिट निकालना उसको एक तरफ लाएंगे। तो देखिए एल इज इक्वल टू एल नॉट प्लस एल नॉट अल्फा डेल्टा थीटा, ये एल नॉट इधर आएगा, एल माइनस एल नॉट इज इक्वल टू एल नॉट अल्फा डेल्टा थीटा। सो अल्फा इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इन टू डेल्टा थीटा। अब बेटा इसका एसआई यूनिट निकालेंगे तो लेंथ में चेंज मीटर ही होएगा, ओरिजिनल लेंथ मीटर होगा, और चेंज इन टेम्परेचर केल्विन होगा, मीटर से मीटर कट गया तो पर केल्विन इज द आंसर। यानी कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन की जो एसआई यूनिट होगी बेटा वो पर केल्विन होगा। आराम से, कुछ भी नहीं है, आराम से बना रहा हूँ, कोई टेंशन थोड़ी ना हुआ, कोई टेंशन हो रही है, सिंपल कहानी है। आइए और बनाते हैं। जैसे मान लीजिए बेटा, बहुत ध्यान से सुनना, अगर मुझसे कहेगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, अगर मेरे से कहेगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की एसआई यूनिट बताइए, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इसकी एसआई यूनिट बताओ। तो चलिए भाई, हर सबस्टेंस की अपनी एक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है, हीट को रखने की एक कैपेसिटी होती है ना। जैसे हम लोग सुनते हैं कि बॉम्बे में ठंड कम पड़ती है, आपने कभी सुना बॉम्बे में बहुत कसके कड़ाके की ठंड नहीं पड़ती है, क्यों? क्योंकि पानी बेटा वहाँ पे समंदर कोस्टल एरिया है, जब जहाँ जहाँ भी कोस्टल एरिया होगा वहाँ कड़ाके की ठंड नहीं पड़ेगी। जबकि आप देखते हैं राजस्थान है, आगरा, ये सब जगह क्या होता है बहुत कसके ठंड भी पड़ती है, बहुत कसके गर्मी पड़ती है। तो कारण क्या होता है कि वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा है बेटा, वो देर से ठंडा होगा तो देर से गर्म भी होगा। जबकि सॉलिड है इधर वाला पूरा जो है वो मैदानी इलाका बेटा, पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर तेज से गर्म भी होगा तेज से ठंडा होगा। तो यानी लिक्विड की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा है, इसलिए उसको ठंड होने में या गर्म होने में टाइम ज़्यादा लगेगा। जबकि कोई पत्थर ले लो, स्टोन ले लो, वो जल्दी गर्म होगा और जल्दी ठंडा होगा। इसलिए रेगिस्तान में रातें ठंड होती है लेकिन दिन जो है गर्म होता है। तो यहाँ पर बेटा बेसिकली स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है बेटा, ये समझो। तो बेटा इसके लिए फॉर्मूला होता है कि डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट अगर गिवन टू द सबस्टेंस देन उसका टेम्परेचर चेंज होगा, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम एच डेल्टा थीटा। ये सुना होगा कि अगर हम डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी देते हैं, व्हाट इज डेल्टा क्यू, तो डेल्टा क्यू इज द हीट एनर्जी। और मैंने आपको बोला था एनर्जी किसी भी फॉर्म में हो, एनर्जी किसी फॉर्म में हो, यूनिट तो जूल होएगी, हीट एनर्जी हो, इंटरनल एनर्जी हो, न्यूक्लियर एनर्जी हो, एटॉमिक एनर्जी हो, जो भी हो, एनर्जी है किसी भी फॉर्म में तो वो जूल होएगा। तो बेटा सबसे पहले तो डेल्टा क्यू हीट एनर्जी है, एम इज द मास है, एम इज द मास, एंड डेल्टा थीटा क्या बेटा, चेंज इन टेम्परेचर, डेल्टा थीटा इज द चेंज इन टेम्परेचर। तो बस अब यहाँ पे एस इज इक्वल टू जिस क्वांटिटी की यूनिट निकाले उसको एक तरफ, बाकी सब दूसरी तरफ भेज देते हैं। एस बराबर होगा डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा थीटा। तो डेल्टा क्यू इज द जूल, मास इज द किलोग्राम, एंड डेल्टा थीटा इज द केल्विन। तो जूल पर केजी पर केल्विन, जूल केजी इनवर्स और के इनवर्स, के मतलब क्या है, केल्विन है। तो देखिए कैसे हमने बड़े आराम से स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सॉल्व कर लिया है ना। देखो बहुत आराम से सॉल्व कर रहा हूँ, कोई लफड़ा कहाँ हो रहा है, सिंपल सॉल्व किया जा रहा हूँ है ना। चलिए और देखते हैं बेटा, आराम से, घबराने का नहीं भाई। जैसे मान लीजिए बेटा लेटेंट हीट, अब हमसे कहेगा भैया लेटेंट हीट का एसआई यूनिट सॉल्व करो है ना। लेटेंट हीट, आप लेटेंट हीट का एसआई यूनिट सॉल्व करो। चलो तो लेटेंट हीट का एसआई यूनिट डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम एल।
देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है, लेटेंट हीट को एल से लिखते बेटा। जब भी सब्सटेंस का फेज चेंज होता है, जैसे आइस से वाटर बनता है या वाटर से वेपर बनता है, तो ड्यूरिंग द फेज चेंज वहीं पर लेटेंट हीट डिफाइंड होता है बेटा। लेटेंट हीट वहीं पर डिफाइंड होता है। तो एल अगर पूछा जाएगा तो डेल्टा क्यू हीट एनर्जी एम मास है, तो एल की एसेंट पूछी जा रही है, तो डेल्टा क्यू अपॉन एम। डेल्टा क्यू का हो गया जूल और मास का हो गया केजी। लो भाई जूल पर केजी हो गया आंसर। टफ लगा? नहीं, आसान है। और बनाओ, चलो और बनाते हैं। देखो मान लो बेटा थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी की ऐसा यूनिट क्या करना पड़ेगा? फॉर्मूला चाहिए, फॉर्मूला करेंगे। पावर इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा बेटा, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, जिसे हम हीट करंट भी कहते हैं। हीट करंट मतलब एनर्जी फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, और ये होता है के ए टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन पर यूनिट लेंथ। ये देखिए बेटा, तो बेटा मुझे थर्मल कंडक्टिविटी सॉल्व करना है, मतलब डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी को एच लिख रहे हैं, मतलब एनर्जी अपॉन टाइम है बेटा। डेल्टा क्यू हीट एनर्जी, डेल्टा टी इज द टाइम, के इज द थर्मल कंडक्टिविटी, ए इज द एरिया, डेल्टा टी इज द टेम्परेचर डिफरेंस, डेल्टा एल इज द लेंथ। तो बेटा के की एसर्ट निकालनी है, तो के इज इक्वल टू एच इंटू डेल्टा एल अपॉन ए इंटू डेल्टा टी, बस हो गया। ये हीट करंट है, एनर्जी पर यूनिट टाइम है, और सोचिए ना एनर्जी पर यूनिट टाइम जूल पर सेकंड, दैट इज व्हाट, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। एच का मतलब क्या है? डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, जूल हीट एनर्जी जूल, और टाइम हो गया सेकंड, जूल पर सेकंड को वॉट बोलते हैं। तो ये हो गया वॉट मीटर, एरिया हो गया मीटर स्क्वायर, ये हो गया केल्विन, यानी वॉट पर मीटर पर केल्विन, वॉट मीटर इनवर्स केल्विन इनवर्स। लो भाई हो गया जी। तो थर्मल कंडक्टिविटी का ऐसा यूनिट हमने पढ़ लिया। ज़्यादा परेशान नहीं होना है, सिंपल सी बात है, आराम से, कुछ भी नहीं इसमें। और देखते बेटा, कोई घबराएगा नहीं भाई, कोई घबराएगा नहीं। और देखो बेटा, आराम से सुनते रहना, आराम से सुनते रहना। हाँ देखो बेटा, अब जैसे मान लो, लेट अस सपोज आपसे बोलेगा फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट बताओ, फ्रीक्वेंसी। तो बेटा फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होगा? फ्रीक्वेंसी इज द वन अपॉन टाइम पीरियड, है ना, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस मेड पर सेकेंड, तो वन अपॉन टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड का, टाइम का ऐसा यूनिट सेकेंड, यानी पर सेकेंड, या फिर इसे बेटा हर्ट्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हर्ट्ज, हर्ट्ज बोलते हैं। यानी बेटा फ्रीक्वेंसी के ऐसा यूनिट हर्ट्ज होती है, आपने सुना भी होगा प्रति सेकेंड, पर सेकेंड को हर्ट्ज बोलते हैं बेटा। तो फ्रीक्वेंसी के ऐसा यूनिट क्या होगा? हर्ट्ज। सिंपल कहानी है। और देखते हैं बेटा, घबराने का नहीं। अगर मेरे से कहता वेवलेंथ, वेवलेंथ, वेवलेंथ को लैम्डा से लिखते हैं, तो ये सिंपल लिखा हुआ है वेवलेंथ, आपने सुना भी होगा बचपन में, द डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट या द डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रफ। तो वेवलेंथ दरअसल क्या है? एक तरह का डिस्टेंस है। वेवलेंथ एक तरह का क्या है बेटा? डिस्टेंस है। वेवलेंथ एक तरह का क्या है? डिस्टेंस है। और डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर। इसलिए वेवलेंथ के ऐसा यूनिट मीटर कहेंगे। कुछ नहीं इसमें, सिंपल सिंपल कहानी है। लोग खामखा परेशान हो जाते हैं, जान देने लगते हैं, बोलते हैं यार ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम के नहीं, बहुत खतरनाक होता है फिजिक्स। फिजिक्स बहुत ईजी है, बस आपको समझना पड़ेगा। फिजिक्स बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है इसमें। समझ में आ रही बात? और देखते बेटा, चलिए ये देखते हैं। और अब देखिए, मान लीजिए बेटा अपन बोलते हैं चार्ज, तो चार्ज हमें सॉल्व करना है, तो सिंपल है बेटा, आई बराबर आप जानते हैं क्यूब आई टी, ये फॉर्मूला तो जानते होंगे, तो क्यू बराबर आई टी, करेंट की एसाइनिट एम्पियर और टाइम का सेकेंड, जिसे बोलते हैं कूलम्ब। यानी चार्ज की एसाइनिट क्या होती है? कूलम्ब। आराम से समझना, वेरी इजी। चार्ज की एसाइनिट होती है कूलम्ब। यानी चार्ज का एसाइनिट देखिए कैसे निकाला, पहले फॉर्मूला चाहिए फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में, क्योंकि डिराइव्ड क्वांटिटीज है, डिफाइंड विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल।
और देखिए बेटा, अगर मान लीजिए हम लोग को कहा जाए एब्सोल्यूट परमिटिविटी, जिसे हम लोग कैसे लिखते हैं, एप्सिलॉन नॉट से, एब्सोल्यूट परमिटिविटी के एसआई यूनिट फॉर्मूला चाहिए भाई, सुना होगा आपने, बिल्कुल बेशक वाली बात है, सुना होगा आपने। तो कूलम्स लॉ याद करें बेटा, 1/4π ε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। मुझे क्या निकालना है, एप्सिलॉन नॉट, दैट इज एब्सोल्यूट परमिटिविटी की एसआई यूनिट निकाले, तो इसको एक तरफ ले जाएंगे, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/4π f नीचे आ जाएगा, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। चलिए अब देखते हैं, कूलम इंटू कूलम, कूलम स्क्वायर चार्ज के एसआई यूनिट कूलम होता बेटा, 4π नंबर है खत्म, फोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन होता बेटा, और डिस्टेंस का मीटर मीटर स्क्वायर, तो एप्सिलॉन नॉट की एसआई यूनिट होता है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, या आप ऐसे बोल सकते हैं कूलम न्यूटन की पावर -1 एम की पावर -2। ये तो दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ द एब्सोल्यूट परमिटिविटी, सिंपल है बेटा, बहुत ईजी है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी की एसआई यूनिट बहुत आसान है, ठीक है ना, देख रहे हैं आप कितना आसान आसान चल रहा है, कोई लफड़ा नहीं है। और देखते बेटा, घबराने का बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है, बिल्कुल ध्यान से देखते रहना। चलिए नेक्स्ट, बिल्कुल आराम से सुनते रहो। अब देखो बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड का हम लोग को पूछा जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर होता है बेटा फोर्स अपॉन चार्ज, ये पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन होती है द फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, जैसे बोलते थे ना पर यूनिट टेस्ट चार्ज। अब फोर्स की एसआई यूनिट होता है न्यूटन, और चार्ज का कूलम, तो न्यूटन पर कूलम, और बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की एक और यूनिट होती है वोल्ट पर मीटर, कैसे, क्योंकि आपने पढ़ा भी होगा E बराबर होता है -kdV/dr, dV मतलब क्या बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस, जिसका एसआई यूनिट वोल्ट, और डिस्टेंस का मीटर, वोल्ट पर मीटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के दो एसआई यूनिट बोल सकते हैं, न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर। ये सब कुछ पढ़ा पढ़ा सा लग रहा होगा, घबराना नहीं है, सब कुछ लग रहा होगा कि हाँ पढ़ा हुआ सा है सर, घबराने की कोई बात है नहीं, समझ में आ रही है। और देखते बेटा, ध्यान से, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखिए बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V बराबर होगा वर्क अपॉन चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन ही होता है वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन द फील्ड रीजन, दिस इज पोटेंशियल, वर्क अपॉन चार्ज, वर्क की एसआई यूनिट जूल, और चार्ज का कूलम, जूल पर कूलम, जिसे बोलते बेटा वोल्ट। इसीलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की एसआई यूनिट हमें याद रखनी है वोल्ट, सिंपल। चलिए आइए, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बताओ बेटा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट याद आ रहा होगा, आप 12th में थे, है ना, 12th में थे, आज से 100 साल पहले आप कहाँ थे, 12th में थे। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या, डाइपोल मोमेंट को P से दिखाते हैं, चार्ज इनटू डिस्टेंस, याद आ रहा है, चार्ज का एसआई यूनिट कूलम, और डिस्टेंस का मीटर, तो कूलम इनटू मीटर, ठीक है। और सुनिए, अगर मान लीजिए बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताइए बेटा इसका एसआई यूनिट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फॉर्मूला बताओ, फॉर्मूला हमें क्या चाहिए, फॉर्मूला, जब तक फॉर्मूला नहीं मालूम रहेगा तब तक कुछ नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है बेटा E into A, याद है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया, याद है ना, द नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स पासिंग थ्रू द सर्फेस परपेंडिकुलरली। तो बेटा E into A, इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग जानते हैं न्यूटन पर कूलम, और एरिया इज मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, फ्लक्स की एसआई यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वोल्ट पर मीटर भी होता है, और एरिया का मीटर स्क्वायर, ये और ये कट गया, वोल्ट E into meter भी बोल सकते हैं फ्लक्स के एसआई यूनिट। वी क्या बेटा, वोल्ट, वोल्ट इंटू मीटर।
वोल्ट को वी से लिखते हैं। आ रही बात समझ में? एकदम आसान आसान चल रहा है, बस एक बार लिख के बस प्रैक्टिस करना है, बात खत्म, तुरंत याद हो जाता है। ठीक है ना, एक बार लिख के प्रैक्टिस करना है बस। और देखिए बेटा, देखिए ध्यान से, ईमानदारी से देखते रहिए। कैसे देखिए? ईमानदारी से देखिए बेटा। जैसे मान लीजिए कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर, या कैपेसिटी बोलते हैं, कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर, है ना, कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर। बताइए बेटा कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर, तो क्यू इक्वल टू सी वी, क्यू इक्वल टू सी वी, तो कैपेसिटी सी बराबर होगा क्यू बाई वी, चार्ज अपॉन पोटेंशियल। चार्ज का हो गया कूलम और पोटेंशियल का वोल्ट, एंड कूलम पर वोल्ट इज फैराड, कूलम पर वोल्ट इज फैराड। ये देखिए फैराड हो गया, कैपेसिटी के सैनिट फैराड होता है बेटा, ये सबको याद होना चाहिए। फिर बेटा अगर मान लीजिए आपसे कभी पूछ दिया एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी, तो एनर्जी डेंसिटी क्या होता है? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम लिख देता हूं, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, एनर्जी का जूल और वॉल्यूम का मीटर क्यूब, जूल पर मीटर क्यूब। एनर्जी डेंसिटी की एसानिट जूल पर मीटर क्यूब होता है बेटा। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत है? सिंपल कहानी, एक बार आप देख रहे हैं तो आपको सब याद होता जा रहा है, एक बार आप देखे सब याद होता जाता है, कोई लफड़ा नहीं है। आगे देखिए बेटा, बहुत आराम से, घबराना नहीं है, आराम से सुनते रहना है। देखिए बिल्कुल ध्यान से, मान लीजिए अगर हमसे कहेगा रेजिस्टेंस, हर रजिस्टर, हर कंडक्टर का अपना एक रेजिस्टेंस होता है, आपने देखा भी होगा, रेजिस्टेंस इज द ऑब्स्ट्रक्शन इन द पाथ ऑफ द करेंट ऑफर्ड बाय द कंडक्टर या रजिस्टर कह लो उसे। और बेटा हम लोग जानते हैं ओम्स लॉ से V इक्वल टू आई आर, तो R इज इक्वल टू V अपॉन आई, और V इज द वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट, और करंट का एम्पियर, और वोल्ट पर एम्पियर को ओम लिखा गया बेटा, ओ एच एम, सबको पता होगा रेजिस्टेंस के यूनिट ओम। और देखो बेटा बहुत आराम से, घबराने का नहीं, अगर मान लो रेजिस्टिविटी बोलेगा, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी का दूसरा नाम क्या बेटा? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी रेजिस्टिविटी, फॉर्मूला आपने बचपन में पढ़ा होगा, आर इक्वल टू रो एल बाई ए, आर इज द रेजिस्टेंस, रो इज द रेजिस्टिविटी, एल इज द लेंथ, एंड ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मुझे रेजिस्टिविटी निकालना है, तो रेजिस्टिविटी रो बराबर आर इंटू ए अपॉन एल, रेजिस्टेंस कितना बेटा ओम, एरिया का मीटर स्क्वायर, और लेंथ का मीटर, मीटर से मीटर निपट गया, तो रेजिस्टिविटी आएगा ओम इंटू मीटर। ये देखिए, तो रेजिस्टिविटी की यूनिट होती है बेटा ओम इंटू मीटर। यस, ध्यान से सुनो, सिंपल चल रहा है, कोई लफड़ा नहीं है, है ना, कोई लफड़ा है क्या? कोई लफड़ा नहीं है। और देखो बेटा सिंपल सिंपल कहानी है, वीडियो रोक करके फिर लिखना, परेशान मत होना। चलो कंडक्टेंस, कंडक्टेंस, कंडक्टेंस को बेटा जी से लिख लो, जो कि वन अपॉन रेजिस्टेंस के, रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल होता है उसे कंडक्टेंस बोलते हैं बेटा, रेजिस्टेंस के साइनिट ओम। तो इसे आप या तो ओम इनवर्स लिखते हैं, या महो लिखते हैं, एम एच ओ, या फिर इसे साइमेन लिख देते हैं, एस आई ई एम ई एन, साइमेन। तो कंडक्टेंस की एसाइनिट ओम इनवर्स, महो या साइमेन। फिर देखो बेटा अगर आपसे बोलता है कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी, बहुत आराम से, घबराने का नहीं भाई, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी को सिग्मा से दिखाते हैं, विच इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टिविटी। कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है, रेजिस्टिविटी होता है ओम इंटू मीटर, एंड वन अपॉन ओम को साइमेन बोलते हैं, तो साइमेन पर मीटर, साइमेन पर
मीटर। आसान है, होम इनवर्स को ही साइमन बोलते हैं, महो बोलो या साइमन बोलो, एक ही बात है बेटा, और इस तरह से कंडक्टिविटी के असाइनमेंट। आसान लग रहा, बहुत इजी है, घबराना नहीं भाई, ऐसा मत बोलना अरे भाई बस हो गया, ये मेरे बस का नहीं है, तो बहुत सिंपल चल रहा भाई। और फिजिक्स पूरा का पूरा ही सिंपल है, वो तो आपको आज तक डराया जाता था कि फिजिक्स बहुत टफ है, ऐसा कुछ नहीं है, फिजिक्स आसान है। चलो बेटा देखते हैं, ध्यान से समझना। और देखो बेटा, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट फॉर्मूला चाहिए, बिल्कुल चाहिए, या तो ये फॉर्मूला लगा लो, एफ इक्वल टू क्यू वी बी, मैग्नेटिक फील्ड को बी से लिखते हैं बेटा, या आप ये भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, एफ इक्वल टू आई एल बी, कोई भी एक फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां से निकालना है तो मैग्नेटिक फील्ड बराबर फोर्स अपॉन चार्ज इंटू वेलोसिटी, फोर्स का है न्यूटन, चार्ज का है कूलम्ब, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, पर सेकंड तो सेकंड ऊपर चला जाएगा, इसी को बोलते हैं बेटा टेस्ला, न्यूटन सेकंड अपॉन कूलम्ब इंटू मीटर, पर कूलम्ब पर मीटर, इसको बोलते हैं टेस्ला। या आप यहां से देख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड बराबर फोर्स अपॉन आई एल, फोर्स की एसाइनेट न्यूटन, करंट का एम्पियर और लेंथ का मीटर, जिसे आप बोलेंगे टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड की एसाइनेट टेस्ला। लो जी हो गया जी, कोई दिक्कत नहीं, मैग्नेटिक फील्ड की एसाइनेट टेस्ला सबको याद रहता है भाई। और सुनो बेटा, मैग्नेटिक परमीएबिलिटी, मैग्नेटिक परमीएबिलिटी जिसको बेटा म्यू नॉट से लिखते हैं, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी कोई भी एक फॉर्मूला उठा लो, बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन टू आर, याद करो सर्कुलर लूप के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड पढ़ते थे ना, यही म्यू नॉट को मैग्नेटिक परमिएबिलिटी कहते हैं। तो म्यू नॉट इज इक्वल टू क्या होएगा बेटा, बी इंटू टू आर अपॉन आई, मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट टेस्ला, टू नंबर है नो यूनिट, रेडियस का मीटर और करंट का एम्पियर, देखिए टेस्ला मीटर पर एम्पियर, तो हमने देखिए म्यू नॉट का भी ऐसा यूनिट सॉल्व कर लिया, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। आराम से समझ में आ रही बात, चलिए नेक्स्ट। घबराने का नहीं भाई, आइए बेटा नेक्स्ट देखते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स की ऐसा यूनिट पूछी जाए, फॉर्मूला क्या होता है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बराबर होता है बी इंटू ए, मैग्नेटिक फील्ड होगा टेस्ला और एरिया होगा मीटर स्क्वायर, जिसे हम वेबर बोलते हैं बेटा। मैग्नेटिक फ्लक्स की ऐसा यूनिट हम लोग क्या बोलते हैं, वेबर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का नहीं बोलते हैं, याद रखना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का नहीं बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स का ऐसा यूनिट वेबर बोलते हैं, ठीक है ना, घबराना नहीं है, टेस्ला मीटर स्क्वायर को वेबर बोलते हैं। आइए सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ एन इंडक्टर, आपने सुना होगा बेटा, इसके दो फॉर्मूले, या तो फाई इक्वल टू एल आई से बनाइए, या फिर यू एनर्जी बराबर हाफ एल आई स्क्वायर से बनाइए, बात एक ही है। यहां से बनाएंगे तो एल बराबर फाई अपॉन आई, फ्लक्स का वेबर और करंट का एम्पियर, और वेबर पर एम्पियर को ही हेनरी बोलते हैं बेटा, यानी सेल्फ इंडक्टेंस की एसाइनेट हेनरी। या यहां से बनाए तो L इज इक्वल टू होगा 2U अपॉन आई स्क्वायर, 2 इज ए नंबर, एनर्जी का जूल और यहां एम्पियर स्क्वायर, जिसे हम हेनरी फिर बोलेंगे, यहां से चलो या वहां से चलो बात एक ही है। तो सेल्फ इंडक्टेंस की एसाइनेट हेनरी। ये कहानी बहुत ही सिंपल है, ध्यान से सुन लिया जाए बेटा, बहुत सिंपल है। चलिए और देखते हैं आगे, कोई घबराहट नहीं होनी चाहिए,
कोई घबराहट नहीं होनी चाहिए। और देखो अगर मुझसे कहेगा प्लैंक्स कांस्टेंट एच का आपको यूनिट और यूनिट लिखना बेटा, प्लैंक्स कांस्टेंट फॉर्मूला चाहिए ना, तो देखिए ई बराबर होता है एच न्यू, एच बराबर होगा ई अपॉन न्यू, एनर्जी का जूल और फ्रीक्वेंसी का पर सेकेंड, यानी जूल इंटू सेकेंड। तो बेटा मैंने आपको जो है डेराइव क्वांटिटीज के एसआई यूनिट आपको पढ़ा दिया, डेराइव क्वांटिटीज का एसआई यूनिट आपको पता चल गया। अब डेराइव क्वांटिटीज का अगर एसआई यूनिट पता चल गया तो अब आप सारी चीज़ें एक बार फिर से रिवाइज कर लेना, सारी चीज़ें रिवाइज कर लोगे बहुत आसान है ना, बहुत आसान है। अच्छा मैंने सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज का एसआई यूनिट समझा दिया होगा, एक बार फिर से लिख देता हूँ, टेंशन वाली बात नहीं है, है ना। देखिए बेटा अगर आपसे बोले एसआई यूनिट ऑफ सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, ये तो कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है, एसआई यूनिट ऑफ सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, एसआई यूनिट ऑफ सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, तो ध्यान से एसआई यूनिट ऑफ सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। तो देखो बेटा सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज का एसआई यूनिट दो ही होते हैं, प्लेन एंगल, प्लेन एंगल का एसआई यूनिट क्या होता है बेटा, प्लेन एंगल का एसआई यूनिट क्या होता है बेटा, रेडियन, आर ए डी आई ए एन, इसको लिखो आर ए डी। और सॉलिड एंगल का एसआई यूनिट क्या होता है बेटा, एस टी रेडियन। एसटी रेडियन जिसे हम एसआर से लिखेंगे, ये तो कहानी बहुत सिंपल है। अब जैसे कभी अगर मान लीजिए एंगुलर वेलोसिटी की एसआई यूनिट पूछी जाए, एंगुलर वेलोसिटी की एसआई यूनिट क्या लिखेंगे बेटा, तो ओमेगा इज इक्वल टू एंगल बाय टाइम लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, यस ओमेगा इक्वल टू एंगल बाय टाइम, एंगल का एसआई यूनिट रेडियन, रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। अगर मान लीजिए बोलेगा एंगुलर एक्सेलरेशन तो बेटा अल्फा बराबर होता है चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, और एंगुलर वेलोसिटी की जो एसआई यूनिट होगी वही चेंज की एसआई यूनिट होगी, तो रेडियन पर सेकेंड और अपॉन टाइम सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ये ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है। तो यहां तक मैंने आपको आज यूनिट पढ़ा दिया बेटा, यूनिट जो है आज खत्म हो गया, कल से हम लोग डायमेंशन पढ़ेंगे। तो ठीक है बेटा आज के लिए यहीं तक, थैंक यू।